नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। दिल्ली के संगू बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के किसान सरकार के लाए गए नए कृषि बिल कानून के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के किसान अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार को छोड़कर रास्तों पर उतरे हैं। ठठरती हुई ठंडी में किसान भाई रास्तों पर उतरा है, पर सरकार को किसानों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। जो किसान पूरी दुनिया का पेट पालता है, आज सरकार उन्हीं के पेट पर लात मार रही है। इन किसानों को समर्थन करने के लिए और साथ ही दिल्ली की सीमा पर आंदोलन के लिए राज्य मंत्री बच्चू कड़ू के नेतृत्व में विदर्भ के किसानों ने हिस्सा लिया। वहां से वापस लौटते समय राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने नागपुर पत्र परिषद ली और आगे की भूमिका बताई। राज्य मंत्री बच्चू कड़ू अब मुकेश अंबानी के घर के बाहर आंदोलन करेंगे। शेतकरी जेव्हा आंदोलन करत आहे, त्यांनी पूर्ण तयारी केली आहे। पंजाब आणि हरियाणामध्ये सगळे शेतकरी अजूनही 6 महिने आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे, ते मागे हटणार नाही। आणि मला वाटतं मुळात आता सगळ्या आता आम्हीसुद्धा 22 तारखेला मुंबईला अंबानीच्या घरावर मोर्चा काढतो आहे, तिथेसुद्धा आमचा मोर्चा आहे। आणि त्याचं मूळ कारण अंबानी असल्यामुळे आता त्यांच्या घरावर जाऊन मोर्चा 22 तारखेला आम्ही काढणार आहोत। होईल, प्रश्न शेतकऱ्याच्या बाजूनं झुकावं लागेल सरकार। नाही, आम्ही सोबत आहोच ना, आता 1200 किलोमीटर बाईकनं गेलोय, आता अधिक दुसऱ्या मार्गानं जाऊ कुठं। पण आता बऱ्याच आमदाराचा विरोध आहे, आम्हीसुद्धा त्याला विरोध करतो आहे, स्वतः राज्यमंत्री अजूनसुद्धा। आमचा विचार आहे का चतुर्थशनी कर्मचाऱ्याला तिथे चपराशी म्हणा किंवा स्वच्छ कामगार, स्वच्छता सफाई कामगार म्हणा, हे आवश्यक आहे। तो निश्चित सरकार त्याबाबत निर्णय घेईल। सर, हा झाला शिक्षणाच्या विषय। शेतकरी